हेलो एंड नमस्कार मैं बेचारू शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आज हम चर्चा करेंगे पिच की तो मिस्टर पिद्दू मिस्टर पिद्दू <laughs> तू भी छा गया गुरु भी छा गया <laughs> मेरे ख्याल से भारत की बहुत हैं इसलिए पिदु जी हमारे बैट्समैन को कट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए लेकिन बैट में इतनी धार नहीं होती कि वो बॉल को कट कर सके तो मेरे हिसाब से बैट्समैन को चाकू लेकर जाना चाहिए राइट right? तेरी जबान भी बगैर चाकू छुरी के खूब चलने लगी है और तू बगैर क्रिकेट नॉलेज के खूब उछलने लगी है तू कहीं भी हो जाती है शुरू दिस इज़ नॉट डन गुरु थैंक्स आई एग्री विद यू एक्सक्यूज मी क्या हम वापस कट पे आ सकते हैं सारे प्लेयर्स से कह दो कि अपने स्कोर्स के अलावा बाई रन पे भी ध्यान दे एक बाई -एक बहुत कीमती होती है एक एक बाई मैच को जिता सकती है या या या, एक-एक बहुत काम में आती है। अब शाइनी को ही ले लो oh, मैं क्यों लू? उसे तो कोई फिल्मों में नहीं ले रहा तू ले ले। नो 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 मेरा मतलब है कि शाइनी बाइक की वजह से कितनी चर्चा में आ गया है आई थिंक प्लेयर्स को भी बाइक इंपोर्टेंट समझनी चाहिए टाइम आई एग्री विद यू विद हर आई डोंट एग्री विद यू बेचारू आप तो चुप रहिए पिंटू जी और मंडीला जी आप तो कुछ मत बोलिए अरे आपसे ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज तो मेरी बाई को है मेरी बाई को है दोनों तो no, मेरी बाई को I है वेरी गुड आई एम सो हैप्पी कि आप दोनों को बाइक की इंपोर्टेंस पता है हेलो नमस्कार मैं बेचारू शर्मा आपका स्वागत करता हूं <laughs> चलिए तो क्रिकेट की बातें करते हैं आ, मेरे एक्सपर्ट ओपिनियन में हमारी टीम को इस वक्त एक ऑलराउंडर की जरूरत है मैंने वो फिल्म देखी है उसमें एक कुमार गौरव है ना वो सदियों से घर पे बैठा है आप उसे क्यों नहीं बुला लेते एक्सक्यूज मी मन तुम छोटे कपड़े पहन के दुनिया वालों को भाती हो लेकिन मुझे रोज पकाती हो और यहाँ पर बिन बुलाया आ जाती हो <laughs> मेरी नजर में तुम ही इंडिया की नंबर ऑलराउंडर हो थैंक थैंक यू यू सो मच स्वीट ये बताइए कि हमारे जो रोहित शर्मा है उन्हें तो पुल करना तक नहीं आता तो आप कोई फाइव स्टार के दरबान को क्यों नहीं लेकर आते और जो भी तो सुबह से दरवाजा पुल करते हैं जिस तरह से बिल्ली दस्ताने पहनकर शिकार नहीं कर सकती उसी तरह से आप बगैर क्रिकेट के नॉलेज के कॉमेंट्री नहीं कर सकती नहीं। तुर। तुर। और रही बात तुम्हारे पुल की बेचारू तो तुम्हें जानकर खुशी होगी कि इंडियन टीम के एक एक प्लेयर को वर्ल्ड कप के तुरंत बाद बड़े बड़े पुल के उद्घाटन करने का प्रस्ताव पहले ही मिल चुका है

हेलो नमस्कार वेलकम टू फुल टॉस देखिए मेरे एक्सपर्ट ओपिनियन में इस बार इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद बढ़ गई है चार साल में इंडिया का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है तो उम्मीद तो बढ़ेगी वॉट इज दिस वुमन टॉकिंग अबाउट माई डियर मंडीला चार साल तक कोई बच्चा अगर क्रिकेट में रहता है तो कुछ ना कुछ क्रिकेट जरूर सीख जाता है तुमने पिछले चार सालों में कुछ भी क्रिकेट नहीं सीखा ठन ठन गोपाल थैंक्स वेलकम मंडीला और रही बात बेचारू तुम्हारी तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस वर्ष इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन फील्डिंग पर ध्यान दो प्यारो मैं तो यही कहूंगा कि सुरेश रैना कवर में होना चाहिए एक मिनट कवर में तो अजीत अगरकर जैसे फ्लॉप प्लेयर को होना चाहिए हैंडसम सुरेश आना ओपन में होना चाहिए चीज़। अच्छी चीजें कभी भी कवर में नहीं रखनी चाहिए ओह शट अप बोथ ऑफ यू हम बॉल की बात करते हैं ज़हीर खान की बॉल बहुत स्विंग हो रही है इससे हमें फायदा हो सकता है हे hey, बिचारू जी स्विंग तो मैंने भी किया था इसने भी स्विंग कराया था आर वी टॉकिंग अबाउट क्रिकेट मैंने बचपन में झूले पे बहुत स्विंग किया था गुड फन ओह गॉड ओह गॉड कोई कोई मुझे रस्सी से झुला दो वॉट अ मैच वॉट अ मैच वॉट ए मिस यार आ, 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 तो खैर मेरे ख्याल से धोनी को भज्जी पे खास ध्यान देना चाहिए एक मिनट मिस्टर बेचारो शर्मा yes. धोनी को सेहत पर ध्यान देना चाहिए आई I मीन mean, कांदा भजिया कौन खाता है यू नो इट्स वेरी ऑयली आई ऑल्सो डोंट ईट आई एग्री विद यू क्या आप एग्री विद यू एग्री विद यू आई डोंट एग्री विद यू फिर भी बेचारू शर्मा मैं सिर्फ यही कहूंगा कि धोनी को भज्जी पे नजर रखनी चाहिए मैंने भी तो यही कहा तो क्या हुआ एनीवे anyway, ये तो मिस्टर पिद्दू का पर्सनल ओपिनियन है मेरे एक्सपर्ट ओपिनियन में पीयूष चावला का लेग स्पिन भी काफी यूजफुल हो सकता है अरे वाह मुझे नहीं पता था कि पीयूष चावला लेग से भी स्पिन कर सकते हैं वाओ टैलेंटेड आई विल किल हर बट आई एग्री विद हर तैनू नहीं पता हमारे पंजाब के नौजवान तेरी कमेंट्री सुनने के लिए रात रात भर जागते और तेरे छोटे-छोटे कपड़े देखकर बिना पिए ही झूमते। थैंक यू बट लेट मी एग्री विद यू एटलीस्ट ओके लेडीज फर्स्ट ठीक है अब देख लीजिए कितनी सारी हीरोइनों को मुझसे छलन होती है यू हैव नो आईडिया हाउ मच टू चार्ज दीज डेज चार्ज चार्ट से आया मेरा बैलेंस खत्म हो गया है वट इज शी टॉकिंग अबाउट